रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। नीतीश कुमार अब बिहार में नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूसी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप मुझे तुरंत फॉलो कर लें क्योंकि मेरी लिखने की है बेबाक शैली। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब बिहार में नहीं रहेंगे। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अब बढ़ रही है, इसलिए वे अब कई राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। बताते चलें कि जेडीयू गुजरात, नागालैंड और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी उतारने के बाद अब और राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी अपने उम्मीदवार उतारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए बिहार में सत्तारूढ़ जदयू अब तीन और राज्यों में चुनाव मैदान में उतरेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी ताल ठोंकते नजर आएंगे। इसके तहत तीनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के जेडीयू के अभियान की शुरुआत 30 मई को राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर एक भव्य जनसभा से होगी। नीतीश कुमार की जेडीयू अभी क्षेत्रीय दलों में शुमार है, लेकिन जेडीयू के इस राजनीतिक विरासत को अन्य राज्यों में फैलाने से उसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना तय है। लेकिन अब देखना है कि जेडीयू कितने राज्यों में सफल होती है या फिर एक वोट काटने वाली पार्टी बनकर ही रह जाती।